बिलासपुर सरकंडा थाना क्षेत्र के अशोक नगर डीएलएस कॉलेज के पास मां भवानी ज्वेलर्स है, जहां आज सुबह 12 बजे अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लगभग 16 लाख रुपए की कीमत का सोने चांदी का आभूषण चोरी करने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रतिदिन की तरह जवाहर प्रसाद सोनी अपनी दुकान आए, जो सरकंडा क्षेत्र के डीएलएस कॉलेज स्थित अपने ज्वेलरी शॉप पहुंचे, जहां उन्होंने दुकान के सामने पड़ी गंदगी को देखकर उसे सफाई करने के लिए अपनी गाड़ी को स्टैंड पर लगाया। गाड़ी में रखे हुए थैले में लगभग 7 किलो चांदी के आभूषण और लगभग 70 ग्राम सोने के आभूषण थे, जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए बताई गई, जिसको किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी कर लिया गया। पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ज्वेलरी शॉप के मालिक के द्वारा सीसीटीवी कैमरे को जब खंगाला गया तो उसमें देखा गया कि एक व्यक्ति आया और झोला उठाकर उसमें रखे हुए सारे आभूषणों को लेकर रफू चक्कर हो गया। इस पूरे मामले की शिकायत जवाहर प्रसाद सोनी ने सरकंडा थाने में की है, जिसके बाद एडिशनल एसपी खुद घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। खोलने के लिए सुबह आया हूँ, 12:10 में तो दरवाजा के पास में ताला जो खुलती है वहाँ पर लेटिंग टाइप का कुछ किए थे, तो मैं सफाई करने के लिए उसको पानी से पाइप लेके आया, उसको सफाई किया। सफाई करते तक मेरा थैला सही सलामत यहाँ पर रखा हुआ था, और सफाई करके मैं जैसे ही पाइप को अंदर करने के लिए गया हूँ तो मेरा अंदर करके बाहर आते तक के थैला पार हो गया था। ये कितने का सामान होगा? ये 7 किलो के आसपास चांदी है और 675-770 ग्राम के आसपास सोना है। कितने कीमती है? वो हो जाएगा आपका 15-16 लाख के आसपास। क्या कुछ पता चला, कोई आए थे यहाँ पर, कैसे हुआ? फुटेज में देखे हैं तो दिख रहा है कि कोई आया था और ब्राउन कलर का शर्ट पहना हुआ है और लोअर पहना हुआ है, वो लेकर के भागा है। नाम बताइएगा अपना। नाम मेरा नाम जवाहर प्रसाद सोनी है, मैं बलौदा वाला हूँ। अभी जानकारी आई है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी मंगा लिया है। उसमें एक जो ज्वेलरी शॉप वाले दुकानदार थे, उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके उस पर बैग रखा था और अचानक से एक लड़का आया और उसको बैग को लेकर चला गया और वो वहाँ पर खड़े थे, तो उसमें अभी हम लोगों ने सीसीटीवी के माध्यम से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टियां लगाई गई, नाकाबंदी भी की गई। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।